करवा चौथ के व्रत के संबंध में कई लोक कथाएं प्रचलित हैं। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी नामक पर्वत पर गए। इधर द्रौपदी बहुत परेशान थी। उनकी कोई खबर नहीं मिलने पर उन्होंने कृष्ण भगवान का ध्यान किया और अपनी चिंता व्यक्त की। कृष्ण भगवान ने कहा, बहन, इसी तरह का प्रश्न एक बार माता पार्वती ने शंकर जी से किया था। तब शंकर जी ने माता पार्वती को करवा चौथ का व्रत बतलाया। इस व्रत को करने से स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा हर आने वाले संकट से वैसे ही कर सकती हैं जैसे एक ब्राह्मण ने की थी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, उसके चार लड़के और एक गुणवती लड़की थी। एक बार लड़की मायके में थी, तब करवा चौथ का व्रत पड़ा। उसने व्रत को विधि पूर्वक किया और पूरे दिन निर्जला रही, कुछ खाया पिया भी नहीं। पर उसके चारों भाई परेशान थे कि बहन को प्यास लगी होगी, भूख लगी होगी, पर बहन चंद्रोदय के बाद ही जल ग्रहण करेगी। भाइयों से रहा नहीं गया, उन्होंने शाम होते ही बहन को बनावटी चंद्रोदय दिखा दिया। एक भाई पीपल के पेड़ पर छलनी लेकर चढ़ गया और दीपक जलाकर छलनी से रोशनी उत्पन्न कर दी। तभी दूसरे भाई ने नीचे से बहन को आवाज दी, देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, पूजन कर भोजन ग्रहण करो। बहन ने भोजन ग्रहण किया। भोजन ग्रहण करते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। अब वो दुखी हो विलाप करने लगी। तभी वहां से रानी इंद्राणी निकल रही थी, उनसे उसका दुख देखा नहीं गया। ब्राह्मण कन्या ने उनके पैर पकड़ लिए और अपने दुख का कारण पूछा। तब इंद्राणी ने बताया, तूने बिना चंद्र दर्शन किए करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया, इसीलिए ये कष्ट मिला। अब तू वर्ष भर की चौथ का व्रत नियम पूर्वक करना तो तेरा पति जीवित हो जाएगा। उसने इंद्राणी के कहे अनुसार चौथ व्रत किया तो पुनः सौभाग्यवती हो गई। इसीलिए प्रत्येक स्त्री को अपने पति की दीर्घायु के लिए ये व्रत करना चाहिए। द्रौपदी ने ये व्रत किया और अर्जुन सकुशल मनोवांछित फल प्राप्त कर वापस लौट आए। तभी से अपने अखंड सुहाग के लिए हिंदू महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती हैं।